आज का शुभ संदेश संवर एक साधना है। संवर का अर्थ होता है कि जो हमारी आत्मा के अंदर पुण्य पाप रूपी कर्म जो है प्रवेश ले रहे हैं, जिसको आश्रम कहते हैं, तो आश्रम एक नाला है। अगर वो नाला खुला है तो कर्मों का आने का द्वार खुला है, हम उस कर्मों के आने के द्वार को बंद कर देते हैं। जैसे कि घर के अंदर दरवाजा होता है, उसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु आ सकता है तो हम उसको बंद कर देते हैं, तो उसमें कोई नहीं आ सकता। तो उसी तरह से हमने आश्रम रूपी जो है नाले को बंद कर दिया तो वो संवर हो गया। संवर का अर्थ होता है कि कर्मों के आने का द्वार बंद करना, और संवर एक साधना है। आखिर के अंदर हमारा उद्देश्य मुक्ति का है, हमारा उद्देश्य कर्म शरीर को शून्य करना है, कर्म शरीर की सफाई करनी है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि संवर है, और हर संवर के साथ के अंदर निर्जरा जुड़ी रहती है। निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी फ्रॉम द सोल। तो जब हमारे कर्म शरीर से कर्म अलग होते हैं तो वो निर्जरा कहलाती है। तो जो ही हमने संवर की स्थिति पैदा की, संवर को बोलचाल की भाषा में त्याग भी कहा जाता है, साधना भी कहा जाता है, तप भी कहा जाता है, जब वो किया जाता है तो उसी क्षण से जो है हमारे कर्मों का झड़ना चालू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर संवर के साथ में निर्जरा होती ही है। अब जो है संवर देखिए कई तरह का, भगवान ने जो निर्जरा के 12 भेद बताए हैं वही संवर के 12 भेद है, वही तप के 12 भेद है, उनका उपयोग करके हम संवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो तप है वो संवर है। और तप कौन सा हो, सबसे बड़ा तप क्या है, प्राणी मात्र को दुख न देना, ये सबसे बड़ा संवर है, सबसे ऊंची साधना है। मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कष्ट न देना, ऐसी साधना ये संवर की साधना है।